कहानी की शुरुआत में सन 1959 का समय दिखाया जाता है। अमेरिका के लेक्सिंगटन शहर में एक नए स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा था। उस दिन स्कूल शुरू होने के कुछ समय पहले सारे बच्चे स्कूल के बाहर खेल कूद करते हुए अपना समय बिता रहे थे। वहीं उन सब से अलग लुसिंडा नाम की एक छोटी बच्ची खामोशी से एक जगह पर खड़ी सूरज की ओर निहारे जा रही थी। उसके कानों में एक अजीब सी डरावनी फुसफुसाहट भरी आवाज गूंज रही थी। आश्चर्य की बात थी कि ये आवाज सिर्फ लुसिंडा को ही सुनाई दे रही थी। इतने में ही उनकी टीचर मिस टेलर वहां आती हैं और सभी को क्लास के अंदर चलने के लिए कहती हैं। बाकी बच्चे तो दौड़ते भागते अपनी क्लास में चले जाते हैं, लेकिन लुसिंडा अब भी वहीं खड़ी अपनी धुन में खोई होती है। हालांकि मिस टेलर किसी तरह से उसे क्लास के अंदर ले ही आती हैं। मिस टेलर सभी बच्चों को याद दिलाती है कि कल उनके स्कूल का उद्घाटन समारोह है और इस मौके पर उनके बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में सभी बच्चों को एक कल्पनात्मक चित्र बनाना है, जिसमें उन्हें अगले 50 साल बाद की दुनिया किस तरह दिखेगी, इस विषय पर चित्र बनाने हैं। इतने में ही मिस टेलर एक टाइम कैप्सूल बाहर निकालती हैं, जिसे देख सारे बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है, जिसके अंदर सारे बच्चों की पेंटिंग्स को डालकर उसे जमीन में दफन कर दिया जाएगा। और जैसे ही स्कूल को 50 साल पूरे होंगे, इस कैप्सूल को जमीन से बाहर निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि 50 साल बाद का भविष्य किस बच्चे के चित्र से ज्यादा मेल खाता है। दरअसल आज से एक महीने पहले हुए एक और प्रतियोगिता में लुसिंडा ने ही टाइम कैप्सूल का आइडिया अपने टीचर्स को दिया था, जिसके लिए मिस टेलर लुसिंडा की काफी प्रशंसा करती है और प्रतियोगिता शुरू करती है, जिसके बाद सारे बच्चे अपने अपने चित्र बनाने लग जाते हैं। इस दौरान कोई बच्चा भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना करता है, तो कोई भविष्य में रोबोटिक युग होने का चित्रण करता है। फिर जब प्रतियोगिता का समय समाप्त हो जाता है, तो मिस टेलर सभी के ड्राइंग शीट्स जमा करने लगती हैं। तभी वो देखती है कि लुसिंडा ने तो चित्र बनाने के बजाय अपने पूरे पेपर को अजीब से नंबर से भर दिया था और वो बिना रुके लगातार नंबर लिखती ही जा रही थी, मानो उसके हाथों पर उसका काबू ही ना हो। लुसिंडा उस पेपर के अंत तक नंबर लिखने ही वाली होती है कि तभी मिस टेलर उसका पेपर छीन लेती है, जिसके बाद लुसिंडा एक व्याकुलता भरी नजरों से मिस टेलर को घूरने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी अगले दिन पर आ जाती है, जब स्कूल का उद्घाटन समारोह मनाया जा रहा होता है। इसी बीच मिस टेलर देखती है कि लुसिंडा अब भी सारे बच्चों से अलग एक बलून लिए उदास खड़ी है। वहीं दूसरी ओर टाइम कैप्सूल में सारे बच्चों के चित्रों को रखकर उसे जमीन में दफन किया जाता है। उसी दौरान लुसिंडा भी अपनी जगह से गायब हो जाती है और केवल उसका बलून आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है। ये देखकर मिस टेलर चिंतित हो उठती हैं और तुरंत पुलिस को वहां बुलाकर लुसिंडा को पूरे स्कूल में ढूंढने लगती है। बड़ी मशक्कतों के बाद मिस टेलर को लुसिंडा जिम में मिलती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसकी उंगलियां खून से लहूलुहान थी। उसने अपने नाखूनों से ही दरवाजे पर कुरेदकर कुछ और भी नंबर्स लिख दिए थे, जिसे देखकर मिस टेलर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लुसिंडा के कानों में अब भी वही फुसफुसाहट की आवाजें गूंज रही थी। लुसिंडा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। और इसी के साथ ये कहानी 50 साल आगे बढ़कर वर्तमान में यानी सन 2009 में आ जाती है, जहां हमें जॉन नाम के एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो MIT में एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाता है। एस्ट्रोफिजिक्स सब्जेक्ट में तारामंडल के बारे में पढ़ाया जाता है। जॉन को तारों और ग्रहों के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। जॉन एक विदुर है। उसकी पत्नी का कुछ सालों पहले ही देहांत हो गया था और तभी से जॉन अपने बेटे केलब के साथ अकेला ही रहता था। हालांकि सिंगल पेरेंट होने की वजह से वो भी कभी कभी बेटे के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभाने से चूक जाता है। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में लेक्चर देने के बाद जॉन अपने दोस्त फिल के साथ कॉफी पीने जा रहा था। तभी जॉन को याद आता है कि आज तो उसे अपने बेटे के स्कूल में जाना था, क्योंकि आज उसके स्कूल की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। ये याद आते ही जॉन तुरंत केलब के स्कूल चला जाता है। पता चलता है कि ये वही एलिमेंट्री स्कूल था जहां 50 साल पहले टाइम कैप्सूल को दफन किया गया था, और आज 50 साल बाद उस कैप्सूल को बाहर निकाला जा रहा था, जिसे देख सारे बच्चे और शिक्षक काफी ज्यादा उत्साहित थे। इस दौरान मिस टेलर, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उनकी स्पीच के बाद उस टाइम कैप्सूल को बाहर निकाला जाता है। उसमें मौजूद लिफाफे में बंद चित्रों को मिस टेलर अपने हाथों से स्कूल के सारे बच्चों में बांट देती है। इत्तेफाक से लुसिंडा के नाम का लिफाफा केलब को मिल जाता है।
केलब जब उस लिफाफे को खोलता है तो उसे उसमें लुसिंडा द्वारा लिखे नंबर्स की लिस्ट दिखाई देती है। केलब उन नंबर्स को समझने की ही कोशिश कर रहा था कि तभी उसके कानों में भी लुसिंडा की तरह फुसफुसाहट की ध्वनि गूंजने लगती है। तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़े एक अनजान आदमी पर पड़ती है जो केलब को ही घूरे जा रहा था। तभी एक पल के लिए केलब का ध्यान भटकता है और जब वो वापस उस आदमी की तरफ देखता है तो वो आदमी उस जगह नहीं होता। उस आदमी के अचानक गायब होने से केलब सोच में पड़ जाता है। रात के वक्त जब केलब अपना होमवर्क कर रहा होता है तभी जॉन देखता है कि केलब ने अपना हियरिंग एड निकाल रखा है। दरअसल केलब को कम सुनाई देता था इसलिए उसे हियरिंग एड पहनना पड़ता था। जॉन के इस बारे में पूछने पर केलब जॉन को बताता है कि उसके हियरिंग एड से अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें आ रही हैं। इसी वजह से उसने हियरिंग एड निकाल रखा है। हालांकि जॉन को ये सिर्फ कोई टेक्निकल फॉल्ट लगता है और वो केलब को हियरिंग एड की आवाज को कम ज्यादा करके देखने के लिए कहता है। तभी जॉन को केलब की बैग में लुसिंडा का नंबर्स वाला पेपर दिखता है। वैसे तो वो पेपर केलब को स्कूल में लौटाना था पर वो चोरी छुपे उसे घर ले आया था। जॉन उसे कल स्कूल जाते ही पेपर को टीचर को लौटाने के लिए कहता है और उसे सोने के लिए उसके कमरे में भेज देता है। जॉन अपनी पत्नी की मौत के बाद से हर वक्त दुखी रहता था और आज भी उसकी मौत को भुलाने के लिए शराब के नशे में डूबा हुआ था। तभी गिलास में शराब डालते वक्त थोड़ी शराब छलक कर उसके हाथ पर भी गिर जाती है। उसे साफ करने के लिए जब वो किचन में जाता है तो गलती से उस शराब की गिलास को लुसिंडा के पेपर पर रख देता है जिससे उस पेपर के बीचों बीच एक गोल घेरा बन जाता है। इत्तेफाक से जॉन को उस गोल घेरे के अंदर कुछ जाने पहचाने नंबर्स दिखाई देते हैं। जॉन जब उन नंबर्स को व्हाइट बोर्ड पर लिखकर उन्हें तोड़ मरोड़ कर देखता है तो उन नंबरों से उसे एक तारीख मिलती है जो होती है 9 नवंबर 2001 और उस तारीख के आगे 2966 नंबर लिखा होता है। जॉन को ये तारीख कुछ जानी पहचानी लग रही थी। जब वो उस तारीख को इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि 9 नवंबर 2001 के दिन ही न्यूयॉर्क सिटी के ट्विन टावर बिल्डिंग में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 2966 लोगों की मौत हो गई थी। ये देखकर जॉन हैरान रह जाता है। उसके बाद जब जॉन उस पेपर पर लिखे सारे नंबरों को व्हाइट बोर्ड पर लिखकर देखता है तो उसे उन नंबरों में छिपी हुई ढेर सारी तारीखें नजर आती हैं, जिसे जॉन एक के बाद एक मार्क करके जब इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि उनमें से हर एक तारीख में कोई ना कोई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे कि 19 सितंबर 1985 के दिन मेक्सिको शहर में आए भूकंप में 10,153 लोग मारे गए थे। 19 अप्रैल 1995 के दिन ओक्लाहोमा शहर में हुए आतंकवादी बम ब्लास्ट में 168 लोग मारे गए थे और 26 दिसंबर 2004 के दिन इंडियन ओशन पर आए भूकंप और सुनामी ने 2,29,866 लोगों की जानें ले ली थी। इस प्रकार उस पेपर पर 1959 से लेकर अब तक की सारी बड़ी दुर्घटनाओं की तारीखों के साथ उसमें मरने वाले लोगों की संख्या भी लिखी हुई थी, जिसे देखकर जॉन दंग रह जाता है क्योंकि लुसिंडा ने ये नंबर्स 1959 में लिखे थे और ये पेपर 50 सालों से टाइम कैप्सूल में दफन था, यानी कोई इस पेपर से छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता था। तो फिर भला लुसिंडा ने इतनी सटीक भविष्यवाणियां कैसे की होंगी? ये सोचकर ही जॉन के दिमाग के सारे तार हिल जाते हैं। फिर अगले ही दिन जॉन फिल के पास जाता है और उसे भी लुसिंडा की भविष्यवाणियों के बारे में बताता है। साथ ही जॉन उसे ये भी दिखाता है कि उस पेपर पर आगे होने वाली 3 और दुर्घटनाएं भी लिखी हैं, जिनमें से एक तो कल ही होने वाली है और इस पेपर के हिसाब से उस दुर्घटना में 81 लोग मारे जाएंगे। हालांकि फिल को जॉन के ये सारे तर्क बेबुनियाद लग रहे थे क्योंकि उस शीट पर तारीखों और मौतों की संख्या के अलावा कुछ और भी नंबर्स लिखे थे जिनका मतलब जॉन अब तक समझ नहीं पाया था। और साथ ही उन दी गई दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना में जॉन की पत्नी भी जलकर मर गई थी, इसलिए फिल को लग रहा था कि शायद जॉन अपने मन की संतुष्टि के लिए उन नंबर्स को तोड़ मरोड़ कर तारीख निकालने की कोशिश कर रहा है। फिल जॉन को उन बेकार नंबरों से दूर रहने की सलाह देता है, जिसे सुनकर जॉन फिल से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब जॉन को भी कहीं ना कहीं अपनी सोच पर ही शक होने लगा था, इसलिए जॉन अपना शक दूर करने के लिए सीधे मिस टेलर के घर जाता है और उनसे लुसिंडा के बारे में पूछता है। बुढ़ापे की वजह से मिस टेलर की याददाश्त अब कमजोर हो चुकी थी पर इसके बावजूद उसे हमेशा सबसे अलग रहने वाली लुसिंडा अब भी याद थी। मिस टेलर को वो दिन अच्छे से याद था जब लुसिंडा ने अपनी ड्राइंग शीट के साथ साथ जिम के दरवाजे पर भी किसी जानवर की तरह अपने नाखूनों से कुरेद कर नंबर्स लिख दिए थे।
उस घटना के बारे में सुनकर जॉन भी स्तब्ध रह जाता है। फिर जॉन मिस टेलर को लुसिंडा की वो ड्राइंग शीट दिखाकर उनसे पूछता है कि क्या यही वो ड्राइंग शीट है जिसमें 50 साल पहले लुसिंडा ने नंबर्स लिखे थे। इस पर मिस टेलर हामी तो भरती हैं, लेकिन उनकी कमजोर याददाश्त के कारण जॉन का शक अभी भी दूर नहीं होता। अब जॉन मिस टेलर से लुसिंडा का पता पूछता है ताकि वो उससे मिलकर ही इस मामले की तह तक जा सके। इस पर मिस टेलर बड़े ही अफसोस के साथ उसे बताती है कि लुसिंडा की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर जॉन को भी बड़ी निराशा होती है। अब वो अपने घर वापस आ जाता है और स्कूल में फोन करके उन दो वर्कर्स के बारे में पता करने की कोशिश करता है जिन्होंने उस टाइम कैप्सूल को जमीन से बाहर निकाला था। इसी बीच जब केलब बाहर खेल रहा था तब एक कार उसके घर के सामने आकर रुक जाती है जिसमें काले कोट पहने हुए दो अनजान आदमी बैठे होते हैं। इतने में ही एकाएक केलब के कानों में फिर से वही फुसफुसाहट की आवाजें गूंजने लगती हैं, जिसके बाद केलब उन अनजान लोगों के पास चला जाता है और उन्हें घूरने लगता है। फुसफुसाहट की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उनमें से एक आदमी केलब को एक काला पत्थर देता है। इसी बीच जॉन भी खिड़की से उन्हें देख लेता है और घबराकर भागता हुआ घर के बाहर आता है, पर इससे पहले कि वो उन्हें देख पाता वे लोग वहां से जा चुके थे। जॉन जब केलब से उन अजनबियों के बारे में पूछता है तो केलब कहता है कि वो भी उन्हें नहीं जानता। केलब जॉन को उनसे मिला वो काला पत्थर दिखाता है जो एक मामूली पत्थर की तरह ही लग रहा था, पर फिर जॉन उसे अपने पास रख लेता है और केलब को किसी भी अजनबी से दूर रहने के लिए कहकर उसे घर के अंदर भेज देता है। जॉन लुसिंडा की छानबीन जारी रखते हुए इंटरनेट पर लुसिंडा की मौत कैसे हुई ये सर्च करता है तो वहां जॉन को लुसिंडा की एक तस्वीर भी मिल जाती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि लुसिंडा का पूरा नाम लुसिंडा एम्ब्री वेलैंड था। लुसिंडा शादीशुदा थी और उसकी मौत दवाई के ओवरडोज की वजह से हुई थी। जॉन बड़े ही गौर से लुसिंडा के बारे में पढ़ रहा होता है कि तभी उसकी बहन ग्रेस अचानक उसे पीछे से आकर डरा देती है। ग्रेस उसे कहती है कि उनके माता पिता जॉन से मिलना चाहते हैं, लेकिन जॉन की अपने पिता से बनती नहीं थी, इस वजह से वो हमेशा उनसे दूर ही रहता था। आज भी वो ग्रेस को मना करते हुए अपने घर से चले जाने के लिए कहता है। इस तरह रात के 12 बज जाते हैं और लुसिंडा की तारीखों के मुताबिक आज ही वो दिन था जब किसी दुर्घटना में 81 लोगों की मौत होने वाली थी। जॉन न्यूज चैनलों पर ऐसी ही किसी खबर की तलाश में अपनी नजरें गड़ाए बैठा होता है, पर घंटों तक न्यूज देखने के बावजूद भी उसे ऐसे किसी भी बड़े हादसे की कोई खबर नहीं मिलती। अब जॉन को भी यकीन हो जाता है कि लुसिंडा के नंबर्स को तारीख समझना सिर्फ उसके दिमाग का फितूर था। उस रात देर तक शराब पीकर जागने की वजह से जॉन सुबह काफी देर तक सोता ही रहता है। इसी बीच उसे केलब का फोन आता है जिसके स्कूल की अब छुट्टी भी हो चुकी थी और बाहर तेज बारिश और तूफान होने की वजह से केलब जॉन को उसे लेने आने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन केलब को लेने उसके स्कूल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। इस वजह से वो ट्रैफिक में ही फंस जाता है। इसी दौरान वो फिल को फोन करके अपने बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। तभी एकाएक उसका ध्यान कार की GPS पर जाता है जिसमें उसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड 42.41 और लॉन्गिट्यूड 71.20 दिए होते हैं। जॉन को ये नंबर्स कहीं देखे हुए लग रहे थे। जब वो इन नंबर्स को लुसिंडा के पेपर के बचे हुए नंबर से मिलाकर देखता है तो वो नंबर्स मैच कर जाते हैं। इससे उसे पता चलता है कि उस पेपर पर मिले तारीखों और मौतों की संख्या के अलावा जो दूसरे नंबर्स लिखे थे वो होने वाली दुर्घटना की सटीक लोकेशन दर्शाते थे और उसके अनुसार जो दुर्घटना आज होने वाली है वो लोकेशन जॉन की करंट लोकेशन से बिल्कुल मेल खा रही थी। ये देखकर जॉन चकित रह जाता है। वो तुरंत गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक के जाम होने की वजह जानने के लिए आगे जाता है। वहाँ एक ऑयल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि जॉन को पुलिस वाले से पता चलता है कि इस दुर्घटना में कोई भी मरा नहीं है। ये बताकर पुलिस वाला जॉन को वापस अपनी कार में जाने के लिए बोल ही रहा होता है कि तभी किसी खतरे को देखकर उस पुलिस वाले की आंखें खौफ से भर जाती हैं और वो तुरंत वहां से भागने लगता है। तभी जॉन भी अपने पीछे मुड़कर देखता है तो सामने का नजारा देख उसका भी दिल दहल उठता है। एक पैसेंजर प्लेन क्रैश होकर उसी के नजदीक आकर गिर जाता है। अगले ही पल जॉन भागकर उस क्रैश हुए प्लेन की तरफ जाता है और अपनी जान की बाजी लगाकर आग में जल रहे लोगों को बचाने की कोशिश करने लगता है। लोगों की चीखें, आग से भरे बदन देखकर जॉन का दिल दहल उठता है। तभी वहां पुलिस की टीम आकर हालात को काबू में ले लेती है और जॉन को वहां से सुरक्षित जगह पर भेज देती है।
कुछ समय बाद जब जॉन अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन ग्रेस केलब को स्कूल से वापस ले आई थी। तभी उसका ध्यान टीवी पर चल रही खबर की ओर जाता है, जिसमें आज हुए प्लेन क्रैश की वजह सूर्य से निकले सोलर फ्लेयर को बताया जा रहा था। दरअसल सूर्य की सतह पर जब कुछ मैग्नेटिक चेंजेस की वजह से काफी बड़ा धमाका होता है, तब उससे काफी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्पेस में फैलते हैं। जब ये रेडिएशंस काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, तब इनकी वजह से पृथ्वी के रेडियो कम्युनिकेशन में अड़चने पैदा होती हैं। उस सोलर फ्लेयर में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कारण ही प्लेन के नेविगेशन सिस्टम में खराबी आई थी, जिससे प्लेन क्रैश हो गया और उस क्रैश में 81 लोगों की मौत हो गई। गौर करने की बात थी कि लुसिंडा के पेपर पर भी ठीक 81 मौतों का जिक्र किया गया था। आज जो कुछ हुआ उस वजह से जॉन को सदमा सा लग गया था और वो बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चला जाता है। इसी बीच फिल भी जॉन के घर आता है। उसे भी प्लेन क्रैश के बाद लुसिंडा के नंबर्स पर यकीन हो गया था, पर इसके बावजूद भी फिल उसे इन सब घटनाओं से दूर रहने की सलाह देता है। हालांकि जॉन उस घटना से डरकर पीछे नहीं हटता, बल्कि वो ठान लेता है कि वो किसी भी हाल में आगे होने वाले दो और हादसों को रोक कर ही रहेगा। फिर आधी रात के वक्त जब केलब नींद की आगोश में होता है, तब काला कोट पहना एक अनजान आदमी अचानक केलब के कमरे में प्रकट होता है, जिसकी आहट सुनकर जब केलब नींद से जागता है तो उसे अचानक अपने कमरे में देखकर वो भयभीत हो उठता है। तभी वो आदमी केलब को खिड़की से बाहर देखने का इशारा करता है। केलब जब खिड़की के बाहर जाकर देखता है तो उसे वहां जंगल में लगी भीषण आग नजर आती है, जिसकी चपेट में आकर जंगल के सारे जीव जंतु मरते जा रहे थे। यहां तक कि उस आग में केलब का घर भी जल रहा था, जिसे देखकर केलब डर के मारे चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर जब जॉन भागा भागा उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि केलब एक कोने में बैठा रो रहा था। जॉन को लगता है कि केलब ने कोई बुरा सपना देखा होगा, पर तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। वो देखता है कि एक अनजान आदमी उन्हें ही घूर रहा है। जॉन उसे धमकाने बेसबॉल की बैट लेकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही वो आदमी वहां से भाग चुका था। इसके बाद जॉन ने लुसिंडा के घर का पता ढूंढ निकाला और वहां पहुंचने पर उसे लुसिंडा की बेटी डायना और उसकी पोती एबी दिखाई दी। जॉन उनका पीछा करते करते एक म्यूजियम तक पहुंच जाता है। म्यूजियम में जॉन केलब को एबी से दोस्ती करने के लिए कहता है। वो खुद भी डायना से दोस्ती कर लेता है और उसे कॉफी पर लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन सीधे मुद्दे पर आता है और डायना को बताता है कि उनका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। वो डायना से लुसिंडा और उन नंबर्स के बारे में पूछता है, पर अपनी माँ का नाम सुनते ही डायना जॉन से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जॉन उसे बताता है कि उसकी माँ की लिखी तारीख के मुताबिक कल न्यूयॉर्क शहर में 170 लोग मारे जाएंगे और उसके 3 दिन बाद अक्टूबर 19 के दिन 33 लोगों की मौत होगी। जॉन डायना से इन मौतों की गुत्थी सुलझाने में मदद चाहता था, लेकिन डायना वहाँ एक पल भी नहीं रुकती और अपनी बेटी एबी को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बावजूद जॉन हार नहीं मानता। वो घर आकर उस जगह का पता लगाता है जहां कल दुर्घटना होने वाली थी। इसी बीच जॉन को न्यूज में ये खबर भी मिलती है कि न्यूयॉर्क शहर पर आतंकवादी हमला होने की संभावना है, जिसे देख जॉन अंदाजा लगाता है कि जरूर कल होने वाली दुर्घटना का ताल्लुक आतंकवादी हमले से ही है। ये सोचकर जॉन तुरंत FBI को कॉल करके उन्हें हमले वाली लोकेशन बताता है और उस जगह को तुरंत सील करने के लिए कहता है। फिर अगले दिन जॉन केलब को अपनी बहन ग्रेस के हाथों में सौंपकर खुद भी उस दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच जाता है। वो जगह एक सबवे स्टेशन था। वहां पुलिस वाले पहले से तैनात तो थे, लेकिन अब तक उन्होंने उस एरिया को सील नहीं किया था। पुलिस वाली के साथ थोड़ी बहस करने के बाद जॉन अब खुद सबवे के अंदर जाता है और संदिग्ध आदमी को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक आदमी अपने कपड़ों में कोई चीज छुपाता हुआ नजर आता है। उसे देख जॉन जब उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो वो आदमी जॉन को अपनी ओर आते देख तेजी से भागने लगता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि हो ना हो वो आदमी ही आतंकवादी है। जॉन पूरी तेजी के साथ उस आदमी का पीछा करने लगता है। उसी दौरान उन दोनों को भागते देख अब पुलिस भी उनके पीछे लग जाती है। फिर अंततः आदमी एक ट्रेन में चढ़कर एक जगह पर फंसी जाता है, जहां पुलिस वाले जब उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं, तो उस आदमी के हाथ ऊपर करते ही उसके कपड़े से कुछ DVDs गिर जाती हैं। दरअसल वो आदमी कोई आतंकवादी नहीं था, बल्कि वो तो उन DVDs को चुराकर भाग रहा था। तो आखिर वो दुर्घटना क्या होगी जिसमें 170 लोग मरने वाले हैं? जॉन ये सोच ही रहा होता है कि
कि तभी उनके सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रेन का किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ट्रैक ही बदल जाता है और वो ट्रेन अपने सामने वाली ट्रेन से जा टकराती है, जिसमें जॉन मौजूद होता है, जिससे वहां एक भीषण तबाही मचती है और उस ट्रेन के नीचे दबकर कई सारी मासूम जिंदगियों की बलि चढ़ जाती है। हालांकि जॉन किसी तरह उस हादसे से बाल बाल बचता है। उस हादसे से अंदर तक टूट चुका जॉन जब केलब को लेकर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां डायना एबी के साथ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। पिछली मुलाकात में जॉन ने डायना को उन तारीखों के बारे में बताया था जिस दिन मौतें होने वाली थी, उनमें अक्टूबर 19 भी शामिल थी। डायना जॉन को बताती है कि उसकी माँ ने एक भविष्यवाणी उसके लिए भी की थी। उसकी माँ ने कहा था कि डायना 19 अक्टूबर को मरने वाली है और इसीलिए वो हमेशा उस दिन से डरती आई थी। और अब ट्रेन हादसे के बाद डायना को यकीन हो गया था कि उसकी माँ भविष्य देख सकती थी। डायना को पूरा यकीन था कि वो भी अक्टूबर 19 को होने वाली दुर्घटना में मरने वाली है, इसीलिए वो अब जॉन का साथ देना चाहती थी। इसके बाद जॉन और डायना तुरंत एक सुनसान घर की ओर रवाना हो जाते हैं। पता चलता है कि ये वही घर था जहां लुसिंडा अपने परिवार से दूर अकेले रहा करती थी। वहां पहुंचने के बाद वे दोनों केलब और एबी को गाड़ी में ही छोड़कर घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी डायना की नजर लुसिंडा के पेपर पर पड़ी। उसने देखा कि पेपर में लिखा आखिरी नंबर 33 था, लेकिन तभी डायना को याद आया कि उसकी बेटी एबी को कैपिटल ई को उल्टा लिखने की आदत थी, जिससे वो लेटर 3 की तरह दिखता था। हो न हो लुसिंडा भी ई को उल्टा लिखती होगी, जिस वजह से उसने डबल ई लिखने के बजाय 33 लिख दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि इस डबल ई का मतलब क्या था। इसी का जवाब ढूंढने वे लोग घर के अंदर दाखिल हुए। घर की छानबीन करते वक्त डायना जॉन को बताती है कि उसके पापा को लगता था कि लुसिंडा पागल थी, इसलिए वो डायना को लेकर अलग रहने चले गए। डायना की माँ अक्सर उससे कहा करती थी कि वो इस घर में किसी मकसद से आई है और उसे किसी चीज के लिए तैयार रहना है, लेकिन डायना को उसकी कही बातों का मतलब कभी समझ नहीं आया। और जब वो 9 साल की थी तब लुसिंडा की मौत हो गई। इसके बाद घर में थोड़ा और अंदर जाने के बाद जॉन की नजर एक दीवार पर पड़ती है। वहां आज तक हुई कई सारी दुर्घटनाओं के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दीवार पर चिपकाए हुए थे। ये उन दुर्घटनाओं के आर्टिकल्स थे जिसके बारे में लुसिंडा ने अपने पेपर पर नंबर स्वरूप लिखा था। तभी जॉन की नजर दीवार पर ही टंगी एक पेंटिंग की तरफ जाती है। उसमें देवता अपने प्रॉफिट को एक चिट्ठी में लिखकर कोई संदेश दे रहे हैं। डायना जॉन को बताती है कि लुसिंडा इस पेंटिंग को घंटों तक घूरती रहती थी। इसके बाद डायना जॉन को वो कमरा दिखाती है जिस कमरे में लुसिंडा मरी हुई मिली थी। उस कमरे में सिवाय एक बाइबल के जॉन को कुछ नहीं मिलता। वो उस कमरे से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। जब जॉन उसे उठाता है तो वो हैरान रह जाता है। ऐसा ही एक पत्थर एक बार एक अनजान आदमी ने केलब को दिया था। लुसिंडा के कमरे में ऐसे कई सारे पत्थर फर्श पर गिरे हुए थे। जॉन बिस्तर के नीचे झांक कर देखता है तो उसे बिस्तर के नीचे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। जब वो बिस्तर को उठाकर देखता है तो दंग रह जाता है। उस बिस्तर पर नाखूनों से कुरेद कर एवरीवन एल्स लिखा था। जॉन को समझने में देर नहीं लगती कि जिस डबल ई का मतलब वे लोग खोज रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि एवरीवन एल्स यानी दुनिया के सब लोग हैं। वहीं दूसरी ओर केलब और एबी दोनों के कानों में फुसफुसाहट की आवाज गूंजने लगती है। जब केलब कार के बाहर देखता है तो उसे कुछ डरावने लोग उसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वे लोग एबी को उनके साथ चलने के लिए कह रहे थे। एबी उनकी बातों में आकर कार का दरवाजा खोल देती है। हालांकि इससे पहले कि वे लोग एबी और केलब को कुछ कर पाते, केलब ने कार का हॉर्न बजाया, जिसकी आवाज सुनकर जॉन और डायना तुरंत उनकी तरफ भागते हैं। डर के मारे वे अनजान लोग भी वहां से भाग खड़े हुए। जॉन और डायना के कार के पास पहुंचने पर केलब और एबी उन्हें बताते हैं कि फुसफुसाहट करने वाले लोग फिर से उनके पास आए थे। तभी जॉन को उन लोगों में से ही एक आदमी झाड़ियों में भागता हुआ दिखाई दिया। जॉन ने डायना को कार के दरवाजे लॉक करने के लिए कहा और खुद पिस्तौल लेकर उसके पीछे भागा। हालांकि कुछ दूरी पर फुसफुसाहट वाला आदमी बिना किसी डर के स्थिर खड़ा था। जॉन उसके पीछे से भागता हुआ आया और उस पर गन तानते हुए पूछा कि वे लोग आखिर केलब और एबी का पीछा क्यों कर रहे थे। हालांकि वो अजीब सा डरावना आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता, पर अगले ही पल वो आदमी पलटा और उसने अपना मुंह खोला, पर उससे कोई शब्द नहीं बल्कि एक तेज रोशनी निकलती है जो जॉन को कुछ देर के लिए अंधा कर देती है। जब तक जॉन की आंखों की रोशनी वापस आई तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था।
उसके बाद जॉन सभी को लेकर घर चला आता है। फिर अगली सुबह जब जॉन एबी को ब्रेकफास्ट पर बुलाने के लिए आया तो उसने देखा कि एबी एक चित्र में सूरज को रंगों से भर रही थी। ये वही चित्र था जो जॉन को लुसिंडा के घर पर मिला था। ये चित्र बाइबल में बताए गए जजमेंट डे यानी कि कयामत के दिन को दर्शाता है। उस चित्र में चमकते सूरज को देखकर जॉन को ये संकेत मिल जाता है कि अगली दुर्घटना का ताल्लुक जरूर सूर्य से ही है। इसलिए जॉन तुरंत सभी को लेकर MIT के ऑब्जर्वेटरी चला जाता है। वहाँ जॉन फिल से मिलता है और उसे सोलर फ्लेयर की वजह से होने वाली दुर्घटना के बारे में बताता है। अब तक सूरज से जितने भी सोलर फ्लेयर रिलीज हुए थे वो पृथ्वी के ओजोन परत को भेद नहीं पाए थे, इसलिए उनसे सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम नष्ट होना और बिजली में गड़बड़ी होना ऐसी समस्याएं होती थी। लेकिन जॉन के मुताबिक इस बार सूर्य में ऐसी प्रलयकारी विस्फोट होने वाली है जिससे सूर्य से एक सुपर सोलर फ्लेयर निकलेगा जिसमें रेडिएशन की 100 माइक्रो टेस्ला तरंगे मौजूद होंगी जो पृथ्वी के ओजोन परत को भेद कर पूरी पृथ्वी को ही जलाकर नष्ट कर देगी और साथ ही उस सुपर फ्लेयर से हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह भी नष्ट हो जाएंगे। जॉन उस वक्त खिड़की से आते सूरज की तेज चमक को देखता है जिसने सर्दियों के महीने में भी भीषण गर्मी पैदा कर दिया था और यही उस आने वाले सुपर सोलर फ्लेयर का सबूत भी था। इतने में ही डायना वहां आकर जॉन की सारी बातें सुन लेती है। डायना इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी कि उस तबाही में उसकी बेटी भी मारी जाएगी। वो जॉन से कहती है कि उसे एक गुफा के बारे में पता है, अगर वे लोग उस गुफा में छुप जाएंगे तो मरने से बच सकते हैं। हालांकि जॉन जानता था कि अब वो चाहे धरती के किसी भी कोने में छुप जाएं, वो मौत से नहीं बच सकते, लेकिन वो डायना का दिल रखने के लिए उसके साथ उस गुफा पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो उन सबको लेकर घर आ जाता है और जल्दी अपने अपने सामान पैक करने के लिए कहता है। ये सुनकर केलब अपना सामान लेने अपने कमरे में जाता है तो उसे फिर से वही फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगती है जिसके बाद वो खुद पर काबू खो देता है और लुसिंडा की तरह एक पेपर पर नंबर्स लिखने लगता है। कुछ देर बाद जब जॉन उसके कमरे में जाता है तो उसे नंबर्स लिखता देखकर तुरंत उससे वो पेपर और पेन छीन लेता है, लेकिन केलब रुकता नहीं और अपने नाखूनों से टेबल पर ही नंबर्स लिखने लगता है। जॉन उसे झिंझोड़कर होश में ले आता है। इतने में जब जॉन टेबल पर कुरेदे हुए नंबरों को देखता है तो उसे मिस टेलर की कही वो बात याद आती है कि 50 साल पहले लुसिंडा ने भी जिम के दरवाजे पर कुरेद कर ऐसे ही नंबर्स लिख दिए थे। ये सुनते ही जॉन के दिमाग में एक उम्मीद की लहर जाग उठती है। उसे लग रहा था कि जरूर लुसिंडा ने उस दरवाजे पर उस जगह की लोकेशन लिखी होगी जहां वे लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए जॉन जो पहले डायना और बच्चों के साथ गुफा में छिपने के लिए जाने वाला था वो अपना रास्ता स्कूल की तरफ मोड़ लेता है। वो जल्दबाजी में डायना को भी इस बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन डायना को उसकी बातों में कोई तर्क नजर नहीं आता। स्कूल के अंदर जाते ही वो जिम के दरवाजे को ही उखाड़कर घर ले आता है। हालांकि सालों से उस दरवाजे पर पेंट होते रहने के कारण उसमें लिखे नंबर्स छुप गए थे, इसलिए जॉन दरवाजे को घिसकर उसमें से नंबर्स को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और अंत में खुशकिस्मती से जॉन को वो नंबर्स मिल ही जाते हैं। लेकिन तब तक अपना सबर खो चुकी डायना केलब और एबी को लेकर जॉन के बिना ही गुफा की तरफ निकल पड़ती है। ये देखकर जॉन उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे जाता है लेकिन तब तक डायना जॉन से बहुत दूर निकल गई थी। डायना के फोन पर सिग्नल ना होने की वजह से वो जॉन को अपनी लोकेशन भी नहीं बता पाती। इसी दौरान जब वो गाड़ी में फ्यूल भरवाने एक गैस स्टेशन पर रुकती है तभी वहाँ टीवी पर एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है जिसमें देश के राष्ट्राध्यक्ष आम नागरिकों को आने वाले सोलर फ्लेयर के संकट से सतर्क करते हैं और उन्हें किसी अंडरग्राउंड शेल्टर में छुपने की सलाह देते हैं जिसके बाद पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान केलब एक पब्लिक बूथ से जॉन को फोन लगाता है। तभी डायना वहां आती है और उसे गाड़ी में बैठने भेज देती है। डायना उसे उनकी लोकेशन बताती है और जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए कहती है ताकि वे लोग डायना की बताई गुफा में जा सकें। हालांकि जॉन उसे रोकते हुए कहता है कि कोई भी गुफा उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकती। जॉन उसे समझाता है कि उसे दरवाजे पर लुसिंडा के घर का लोकेशन मिला है जिससे उसे समझ आ गया है कि लुसिंडा के घर पर ही कोई ऐसी चीज है जो उन्हें सोलर फ्लेयर से बचा सकती है। इसीलिए जॉन उसे बच्चों को लेकर लुसिंडा के घर पर पहुंचने के लिए कहता है लेकिन डायना को वापस लुसिंडा के घर जाने में कोई तर्क नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए उन दोनों में इस बात को लेकर फोन पर ही बहस छिड़ जाती है। तभी अचानक डायना को उस फोन बूथ के ऊपर एक काला पत्थर दिखाई देता है जो हूबहू उन पत्थरों से मेल खा रहा था जो जॉन और डायना को लुसिंडा के घर पर मिले थे। जब डायना पीछे मुड़कर देखती है तो
तो कुछ अनजान लोग केलब और एबी का अपहरण करके उन्हें अपने साथ ले जा रहे होते हैं। ये देख डायना भी एक आदमी की कार चुराकर उनके पीछे जाती है। डायना फुल स्पीड में कार भगाती हुई उन लोगों का पीछा कर रही होती है कि तभी बदकिस्मती से उसका एक ट्रक के साथ अपघात हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। उधर दूसरी ओर जॉन भी गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां डायना के बारे में पूछताछ करके जब उस दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचता है तो देखता है डायना एम्बुलेंस में अपनी मौत से जूझ रही थी। डॉक्टर डायना को बचाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन डायना एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देती है। नर्स जॉन को बताती है कि डायना की मौत 19 अक्टूबर को ठीक रात के 12 बजे हुई है। इस तरह लुसिंडा की अपनी बेटी के लिए की गई भविष्यवाणी सही साबित हुई। इसके बाद जब जॉन डायना की लाश के पास दुख जाहिर कर रहा होता है तब उसे डायना के हाथ में वही काला पत्थर मिलता है। वो समझ जाता है कि केलब और एबी को उन अनजान आदमियों ने किडनैप किया है। जॉन अपनी पिस्तौल तैयार करता है और सीधे लुसिंडा के घर की ओर कूच करता है। लुसिंडा के घर पहुंचने के बाद वहां उसे झाड़ियों में टायर के निशान नजर आते हैं। जब जॉन भी उन झाड़ियों की तरफ जाता है तो उसे वहां वैसे ही ढेर सारे काले पत्थर नजर आते हैं। उन्हें देखकर जब जॉन थोड़ा और आगे जाता है तो उसे एक जगह पर वही काले कोट वाला आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख जॉन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे बच्चों के बारे में पूछता है। तभी एकाएक केलब और एबी खरगोशों को पकड़े हुए जॉन के सामने आते हैं। केलब जॉन को बताता है कि जिन लोगों ने उनका अपहरण किया है वे बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि वे उन्हें सोलर फ्लेयर से बचाना चाहते हैं। इतने में ही आसमान में एक रोशनी सी नजर आती है और देखते ही देखते उस रोशनी से एक एलियन शिप धरती पर उतर आता है, जिससे जॉन को पता चलता है कि वे अजनबी लोग असल में एलियंस हैं जो इंसानों के रूप में उनके बीच रह रहे थे। उन्हें देखकर जॉन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। दरअसल उन एलियंस को पृथ्वी के तबाह होने के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो पृथ्वी के जीव जंतुओं को बचाने के लिए धरती पर उतर आए थे। उन्होंने एक नए ग्रह पर मानवता की शुरुआत करने के लिए केलब और एबी को चुना था। जॉन को ये बताने के बाद केलब उसे भी अपने साथ एलियन शिप में ले जाने लगता है। तभी एक एलियन उन्हें रोक लेता है और फुसफुसाकर केलब से कहता है कि उनके साथ वही लोग आ सकते हैं जिन्हें उन एलियंस की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनने के बाद केलब बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। हालांकि जॉन अपने दिल पर पत्थर रखकर केलब को समझाता है कि मानव जाति की नई शुरुआत करने के लिए एलियंस ने उसे चुना है, तो उसके लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए। जॉन उसे याद के तौर पर एक लॉकेट भी देता है जिसमें जॉन और उसकी बीवी का फोटो था। इसके बाद जॉन केलब और एबी को खुशी से एलियंस के हवाले कर देता है, जिसके बाद एलियंस अपने असली रूप में आ जाते हैं और केलब और एबी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। साथ ही वो कई और जीव जंतुओं को भी पृथ्वी से ले जाते हैं। फिर अगली सुबह जब कयामत का दिन आता है तो जॉन अपने आखिरी समय में अपने माता पिता और बहन के पास चला जाता है। तभी सूरज से निकली सुपर फ्लेयर पूरे पृथ्वी को जलाकर नष्ट कर देती है और इस तरह जॉन के साथ साथ पृथ्वी भी पूरी तरह तबाह हो जाती है। फिर अंत में हम देखते हैं कि वे एलियंस केलब और एबी को उनके खरगोशों के साथ एक नई खूबसूरत दुनिया में छोड़ गए थे, जहां से वे दोनों मानवता की एक नई शुरुआत करेंगे। वे दोनों भागते हुए एक चमकदार वृक्ष की ओर चले जाते हैं और इस तरह ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।